ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको नॉकआउट में ऑड नंबर की टीम के बारे में समझाया, जैसे 21 टीम का मैंने फिक्सेस बनाया था वो ऑड नंबर की टीम का था. ओके, ऑड नंबर ऑफ टीम. अब इवन नंबर ऑफ टीम में क्या चेंजेस करने होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट, क्योंकि इवन नंबर में कभी कभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख के आया हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने और आपको बहुत ज्यादा देखना ना पड़े, आप शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझ जाए. ओके, तो नंबर ऑफ टीम कितनी है, 10. ओके, तो मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ टीम. ये इवन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा, आपको ऐसे जब एग्जाम होती है या कोई टेस्ट लेता है तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ मैचेस. नंबर ऑफ मैचेस कैसे हम करते हैं, फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला n-1. n क्या है, नंबर ऑफ टीम, 10-1. नंबर ऑफ मैचेस वॉज 9. ओके, नंबर ऑफ मैचेस 9 होने के बाद पावर ऑफ 2, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ कैसे फाइंड करेंगे, तो 9 यहाँ पे, सॉरी 10 यहाँ पे नंबर ऑफ टीम है. ओके, तो कैसे मिलेगा यहाँ पावर ऑफ 2, उसके आगे जो बड़ा नंबर आता है वो, तो ये 8 और 16 के बीच में आ रहा है. ओके, तो हम 10 यहाँ पे लिख देंगे तो 8 को नहीं ले सकते क्योंकि इससे छोटा है. ओके, तो हम क्या लेंगे, इसके आगे वाला नंबर 16. अगर ये 17 होता तो हम क्या लेते, 32. ओके, पर अभी ये 10 है तो हमें क्या ले लूंगा, 16. तो उसके बाद में, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, बाय. बाय कैसे देनी है, एन स्क्वायर पावर नंबर, पावर ऑफ 2 को हम एन स्क्वायर कहते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1. तो हमने क्या लिया यहाँ पे, 16 लिया, तो 16-10, नंबर ऑफ टीम 10. ओके, तो यहाँ पे 22 कितने आएंगे, 6. उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नॉकआउट में, ओके, नॉकआउट जब होता है तो उसका फॉर्मूला अलग, इवन नंबर का अलग होता है, ऑड नंबर का अलग होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ का. ओके, तो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, n/2 दोनों में आएगा. n वॉज नंबर ऑफ टीम, 10, 2, 22, तो क्या आएगा यहाँ पे, 5, लोअर हाफ और अपर हाफ. ओके, आप कहते हो कि ये तो इजी बता भी सकते थे, बट यहाँ पे फॉर्मूला वाइज करना है ताकि आप सामने वाले को बताना नहीं है वहां पे एग्जाम में, आपको यहाँ पे बुक में ही लिख के बताना है. आप वहां उसके सामने नहीं खड़े हैं कि यार हम तो ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, बट आपको सिंपली यहाँ पे लिख के बताना है कि हमारा फॉर्मूला ये था और इसलिए हमने ऐसा पिक्चर बनाया. ठीक है, तो अगर मैंने, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि उसका फॉर्मूला अलग था, अगर मैं वो वाला फॉर्मूला करता तो यहाँ पे पॉइंट में जवाब आते, पॉइंट में आंसर आता है लोअर ऑफ और अपर ऑफ का, इसलिए फिर मैंने ये आपको फॉर्मूला बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये इवन नंबर में, इवन नंबर जब होगा तब ये फॉर्मूला होगा और ऑड नंबर में दूसरा होगा, जो वीडियो में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. ओके, तो उसके बाद में हम, ये हो गया, उसके बाद में हम फिक्चर्स बनाएंगे. मैं यहाँ पे नीचे ही बना लेता हूँ आपको, ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना हो. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1-5, 1-10. ओके, अपर हाफ में कितनी, 5, और लोअर हाफ में 5. 5 टीम चाहिए थी. ओके, तो इधर हम लिख लेंगे UH अपर हाफ, यहाँ पे लोअर हाफ. ओके, मैंने 5 नंबर के बीच में लाइन से बना दी है, तो 5 टीम ऊपर 5 टीम नीचे होगी. ओके, अब हम हमको बाई कितनी देनी है, 6 बाईस देनी है. तो आपको पता ही है बाईस कैसे देते हैं, फर्स्ट डाउन, ओके, सेकंड सबसे ऊपर, थर्ड जो हाफ है उसका सबसे ऊपर वाली टीम, फोर्थ यहां पर. ओके, 4 बाय हो गए, अब और 2 बाय देनी है, तो सेम वापस वही पोजीशन, 1-2-3-4 वाला. ओके, तो 5 यहां पर और 6 यहां पर. ओके, बाय देने में कोई प्रॉब्लम आए तो ये सबसे इजी तरीका है आपको कैसे देना है. ये नंबर आपको सिर्फ पेंसिल से लिखने हैं, आपके आपके ध्यान में रहने के लिए कि यहां पे मैंने फर्स्ट सेकंड दिया था बाय. ओके, और इसको रफ कर देना है. ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड है. ओके, यहां पे फर्स्ट मैच हो गया, सेकंड मैच हो गया. ओके, ये फर्स्ट राउंड में सिर्फ ये 2 ही मैचेस होंगे, बाकी सभी टीम को क्या मिला है, बाय मिला है. ओके, अब सेकंड राउंड में सभी को मैच खेलना पड़ेगा, जिसको बाय मिला है वो भी, और जो फर्स्ट राउंड में जीत के आया है उसको. ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम
हार जाती है वो एलिमिनेट हो जाती है, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, ओके, तो उसको सेकंड चांस नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे थर्ड मैच, ये फोर्थ मैच, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके। इजी मेथड है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं कहाँ पे नहीं। ये थर्ड राउंड हो गया, ओके, ये क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं इसको, ओके, और ये सेमीफाइनल, सेमीफाइनल राउंड, क्वार्टर फाइनल, ओके। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल राउंड में 6, 7, 8, ओके, एंड 9 फाइनल, यहाँ पे विनर आएगा, ओके। तो सिंपल सा मेथड है। तो अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस कितने थे। नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे 9 थे, ओके। तो 9 मैचेस हो गए, जैसे हमने दिखाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। आप बोल रहे होंगे बाई वाला, तो ये बाय एक्चुअली जिसको जिसको बाय मिला होता है वो बिना खेले फर्स्ट राउंड से निकल के सेकंड राउंड में पहुंच जाता है, फर्स्ट राउंड बिना खेले सेकंड राउंड में पहुंच जाता है, ओके। तो वो मैचेस में काउंट नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैसेज करें, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।